देश के कई हिस्सों में मंगलवार को मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन उत्तर भारत में मौसम मुख्य रूप से उमस भरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी उमस भरी गर्मी का सितम जारी है। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की वजह से पारा कुछ नीचे रहा। हालांकि आर्द्रता स्तर 91% तक बढ़ गया है, जिससे उमस बढ़ने के कारण दिल्ली वासियों को काफी परेशानी हुई। दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कई इलाकों में मानसून की बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान भारी वर्षा जारी रहने का अनुमान है। स्काई वेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की हलचल बढ़ सकती है। यहाँ कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। पंजाब और हरियाणा में मानसून कमजोर रहेगा, हालांकि एक दो स्थानों पर हल्के से मध्यम बौछारें गिर सकती है। दिल्ली में भी गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर बना रहेगा, गर्मी जारी रहेगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।